हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पहली बातें पर फिर से स्वागत है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलते रहे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हुए घमासान वीकेंड की वार के बारे में, जहां पर सिद्ध किया गया कि अर्चना कैसे सही है और साथ ही साथ ये भी सिद्ध किया गया कि भैया शिव ठाकरे कैसे गलत है। लेकिन रियालिटी क्या है, रियालिटी चेक तो जरूरी होता है। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने देखने की कोशिश की किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अर्चना गौतम को घर के अंदर लाने के लिए एक कंटेस्टेंट जो रियल है, जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो हर एक इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को साना दिखाना चाहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिव ठाकरे की। आखिर सवाल हर कोई पूछ रहा है कि भैया अब क्या शिव ठाकरे नायक हैं या खलनायक। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या बात है यार, सलमान खान ने पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में बायस्ड होस्टिंग नहीं किया और एक्सपोज कर दिया शिव ठाकरे इन गैंग को। कई लोग ये भी बोल रहे हैं, कई लोग नहीं एक्चुअली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आखिर मानना पड़ेगा कि बिग बॉस किसी को भी किसी हद तक जा सकते हैं गिराने के लिए अगर उन्हें टीआरपी पाना है। दोस्तों चलो बात करते हैं कि आखिर शिव ठाकरे सही है या गलत। तो जिस मुद्दों पर गलत साबित किया गया है उन मुद्दों को काउंटर अटैक करते हैं और कुछ एग्जांपल के जरिए बात करते हैं। पहला, बात करते हैं कि शिव ठाकरे के अगेंस्ट में सलमान खान ने बोला कि भैया बाहर की बात आपने किया, इसके वजह से उन्होंने आपका गला पकड़ा, तब उनका किया हुआ सारा काम, मैं बोल तो रहा हूं कि गलत है लेकिन फिर भी जायज है, मैं उनको घर के अंदर लाऊंगा। हालांकि अगर मैं याद करूं रश्मि देसाई एंड सिद्धार्थ के शो को, यानी अगर आपको याद हो सिद्धार्थ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द बिग बॉस हिस्ट्री आफ्टर सीजन 1, भैया यहां पर रश्मि देसाई की बातों को, बाहर वाली बात सलमान खान अंदर लाकर रख देते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब सही है और वो मजाक कर रहे हैं, तो भैया वो कंटेस्टेंट नहीं है तो कुछ भी किया जा सकता है पर शिव ठाकरे नहीं कर सकता। प्रभु किशन की बात करते हैं प्लानिंग के साथ कि कैसे उन्होंने प्लानिंग किया, क्योंकि उन्हें ट्रिगर पॉइंट पता चल गया। यही बात तो हमने प्रियंका चार चौधरी को भी अंकित गुप्ता के साथ बात करते हुए पाया कि भैया एक काम कर अंकित यार, तू क्यों ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, जाना किसी भी मुद्दे में पढ़ना, जहां भी मन करे वहां टांग अड़ाना, प्रवोक करो, अगर कोई मारा तो वो बाहर चले जाएगा, जो चाहो वो कर लो, लेकिन उसके ऊपर मुद्दा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये बात शिव ठाकरे ने नहीं बोली है, वो बोलेंगे तो मुद्दा बनेगा। बात करते हैं कि क्या बोला जाता है, शिव ठाकरे ने बोल दिया दीदी, हम ममता बनर्जी समझ रहे थे, मैया कोई और निकली, इसीलिए कहते किसी भी चीज को हाईलाइट करोगे तब आके बाहर बात निकलती है, तो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं कि भाई चाहे टिश्यू पेपर कहां घुसाने की बात करे अर्चना, लेकिन नहीं बात की होगी, चाहे बात करे सौंदर्या और शिव के वो नैरो माइंडेड थॉट को प्रेजेंटेशन जो अर्चना ने किया कि कैसे छूता है, लेकिन भैया ये बात नहीं होगी क्योंकि अगर ये बात होगी तो अर्चना गलत दिखेगी, घर के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए शिव ठाकरे को गलत दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा, ट्रिगर पॉइंट प्रोवोकेशन, भैया अभी तक जब तक शिव ने स्टैंड नहीं लिया लोगों को तोड़ने का, उनको अपना ही स्वाद देने का, प्रियंका चहर चौधरी को जब उनका स्वाद देना शुरू किया, जैसे वो टांग अड़ा रही थी शिव ने टांग अड़ाया, तो चहर को पता चला कि भैया ज्यादा चहक करने का कुछ फायदा नहीं है, अब तो ये मेरी औकात दिखा रहा है, लेकिन न अगर ये चीज होगा तो भैया शिव ठाकरे कैसे गलत दिखेगा। पानी वाला टास्क याद है जिसमें सब लोग आए लेकिन शिव ठाकरे का क्लिप नहीं दिखाया गया, क्यों, शिव को यार कैसे देंगे इतना ज्यादा फुटेज, वरना शिव तो कंटेस्टेंट बन जाएगा ना। भैया एक बड़ी लाइन जो मनु पंजाबी ने अभी अभी ट्वीट करके बोला, अरे बिग बॉस साहब जिसको लाना है लाओ, लेकिन जो कंटेस्टेंट सच में रियल है उसको तो मत दबाओ। यार ये समझ में नहीं आता कि बिग बॉस करना क्या चाहता है। यार सच बात यह है कि टीआरपी मिलती है अर्चना गौतम से, एक वो भी कंटेस्टेंट जो टीआरपी देती है, लेकिन टिश्यू पे लड़ाई, टिश्यू के मुद्दे को इतना बढ़ाना कैसे, बिग बॉस से सवाल कर रहे हैं सब लेकिन बिग बॉस बोलता है यार तुम जाओ हमारा पैसा लगाए, सलमान खान को इतना पैसा दे रहा हूं,
भैया इतना सब कुछ करने के बाद मैं ये दिखाऊंगा कि अर्चना को कैसे घर के अंदर नहीं लाया जा सकता। सबसे बड़ी बात, सलमान खान को यह देखा जा रहा है कि वो घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं। जब लोगों ने कन्विंस उनकी बातों से नहीं हुए तो दो वीडियो क्लिप दिखाए गए जहां पर प्रियंका अंकित को सेपरेट बात हो रहा है, यहां शिव ठाकरे को गलत, पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश। सबसे बड़ी बात, अब्दू वॉज नॉट एक्सेप्टेड द पॉइंट, ही वॉज हैप्पी कि अर्चना नहीं आए, लेकिन नहीं, फिर से उसको कन्विंस करना है, भैया मेहमान है, पूरा का पूरा ऑडियंस देख रहा है, अब्दू का तो हाथ लगाना बनता है। अब्दू का हाथ उठ गया, शिव हाथ नहीं उठाता, लेकिन नहीं भैया प्रेशराइज करना है। अब भैया सलमान खान से एक अंदर साजिद खान काम दे रहे हैं, बाहर सलमान खान काम रोक रहे हैं, तो उस डर से भैया हाथ उठाना ही है। तो ये सारी चीजें एक प्यारे तरीके से स्टैब्लिश की गई ताकि अर्चना गौतम को अंदर लाया जा सके। और क्या बढ़िया चीज है, सैलीन बनोट के नॉट इंटेंशन के साथ धक्का लगने पर भैया पूरी की पूरी शो में वो कैप्टन नहीं बन सकता, दो हफ्ते के लिए नॉमिनेट, और अर्चना को बढ़िया दो दिन का बाहर का ट्रिप, फाइव स्टार होटल का मजा, और उसके बाद बिना किसी पनिशमेंट के साथ घर के अंदर और पूरा आराम के साथ, ताकि पूरा बेस बनाया जाए, अर्चना को कोई ताना ना मार सके। अर्चना को पूरा एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ तैयार किया गया, मुंह नीचे झुकाना, थोड़ा सा आंसू बहाना, सलमान भाई सब संभाल लेंगे, शिव ठाकरे को ऐसे ही नीचे गिरा देंगे, तू टेंशन क्यों लेती है, आज तक का तेरा किया धरा सारी चीजों को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया जाएगा, अर्चना ने जो किया है वो गलत है, लेकिन भैया आपने गलत किया, इसके वजह से अर्चना गलत हुई, भैया अर्चना अंदर जाओ। ये थी पूरी कहानी। और अगर आपको जानना है कि और क्या थॉट प्रोसेस था बिग बॉस का, सलमान खान का, तो इसके पहले ही जस्ट एक वीडियो अपलोड हुई है जिसका लिंक यही नीचे दिख रहा है, बस इस पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे उस वीडियो पर। सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया है पूरा का पूरा बिग बॉस को। और भैया जिन लोग कह रहे हैं कि पहली बार सलमान खान ने बायस्ड एपिसोड नहीं किया है, तो भैया एक समझ जाओ कि आप गलत तरीके से आप बिग बॉस देख रहे हो, या फिर आप अर्चना के सच में फैन हो। अगर न्यूट्रल हो तो रियलिटी चेक सामने। तब तक के लिए दोस्तों एक ही चीज ध्यान रखो, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर डालो, कोई फीडबैक हो कमेंट कर डालो, बाकी सब्सक्राइब ना करे तो फिर से कर डालो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ।